एक बात गवाह है, ये बुजुर्ग जानते हैं कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार होती थी तो एक पत्रकार ने चौधरी भजन लाल जी से ये बात पूछी कि आप टाइम और लगाते लोगों का इलाज करने में, तो चौधरी भजन लाल जी कहते थे कि मेरी भजन लाल जी की चक्की चलती है, इतना जरूर है पर पीसती बहुत बारीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चक्की और चौधरी भजन लाल जी मेरे पास छोड़ गए हैं। तो ये ऊपर का चुटाला और उसके छोटे चुटाले थारी और देख भी लेंगे ना तो रगड़ूंगा बहुत, चक्की में बहुत बारीक पिसूंगा छोरा छोरे। आप इतने भी घबराने की जरूरत नहीं, खुले मन से वोट डालिए। दूसरी बात, हरियाणा दलित कांग्रेस की स्थापना का आज 5 वर्ष है, 5वां जन्मदिन हम मना रहे हैं और इसीलिए भाजपा का सारा प्रदेश और केंद्र नेतृत्व आज हजका के नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं देने आया। और हिसार के चुनाव में प्रत्यक्ष ये देखने को मिला कि कितने उत्साह से, कितने जोश से हजका और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस चुनाव में भाई कुलदीप बिश्नोई को जिताने का काम किया था। सबसे ज्यादा फूट बढ़ती है नेता को लेकर कि अगर दोनों में से कौन ज्यादा जीत गया तो क्या होगा। आमतौर पर गठबंधन ये कहता है कि जिसकी ज्यादा आए उसका नेता बनेगा, मगर नहीं, ये गठबंधन देखकर जनता की भावना को देखते हुए हमने तय कर दिया सीटें किसी की कितनी भी आए हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री पहले कुलदीप बिश्नोई बनेगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हमने सीटों की संख्या तय कर दी 45-45, हमने लोकसभा की सीटों की संख्या तय कर दी 2008, तो झगड़ा कहां। अब तो केवल आपस में हम लोगों ने अपने अपनी सीटों के उम्मीदवार तय करने हैं जो हमने अपने घर में बैठकर कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में ये गठबंधन हरियाणा की सरकार भी बनाएगा और केंद्र की सरकार भी बदल कर रहेगा, ये आज की रैली का एक बहुत बड़ा उद्घोष है। और क्यों न करें, क्यों न करें। हरियाणा और केंद्र में जो दो सरकारें चल रही हैं, एक कांग्रेस की सरकार, एक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार, वो आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, वहां की तो कानून व्यवस्था चौपट हो गई है मित्रों। लेकिन आज वो हरियाणा अपनी बहन बेटियों को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहा। किस उम्र की बच्चियों के साथ क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं। माथा शर्म से झुकता है लेकिन सरकार दमदनाती हुई चलती है। इसी तरह से केंद्र की सरकार महंगाई के कोड़े मार मार के लोगों को सता रही है। आटा चावल चीनी तेल की बात तो दूर, जो कसर रह गई वो रसोई गैस ने पूरी कर दी है। अभी कभी मैंने लोकसभा में सवाल उठाया परसों कि कई चीजों की राशनिंग तो सुनी थी मंत्री जी, मगर कभी गैस की राशनिंग नहीं सुनी थी। सरकार ने फैसला लिया है कि साल में केवल 6 सिलेंडर मिलेंगे और बाकी के सिलेंडर लेने हो तो 900 रुपए के हिसाब से लेने पड़ेंगे। 6 सिलेंडर भी 400 के हिसाब से मिलेंगे और बाकी के सिलेंडर 900 रुपए के हिसाब से, जो मिलेगा नहीं ब्लैक में 1100 या 1200 के हिसाब से मिलेगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस को 5 साल पूरे हुए हैं और इस 5 साल में जो प्रगति और विकास हुआ है पार्टी का, उसका विशाल स्वरूप आज इस मैदान पर दिख रहा है। मैं भाई कुलदीप जी को और हरियाणा जनहित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को आज 5वें इस स्थापना दिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं। आज के इस विशाल रैली ने 2 बातें निश्चित की है। पहली बात यह निश्चित की है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें एनडीए को मिलेगी और दिल्ली के तट पर एनडीए का झंडा फहराएगा। यह पहली बात आज इस रैली ने निश्चित की है। और इस विशाल रैली ने दूसरी भी बात निश्चित की है
कि जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो कुलदीप जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का झंडा हरियाणा के राज्य पर फहराएगा। ये भी बात आज इस रैली ने निश्चित किया। बहनों और भाइयों, हरियाणा की हालत तो खस्ता है ही है, पर आज देश की हालत भी बहुत खराब है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, और हमारे हरियाणा की तो स्थिति यह है कि हमारी मां बहनों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कि सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नई तो आई नहीं, जो थी वो भी चली गई। क्या इस देश में हिंदू मुसलमान दलित गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर हुई है? क्या इस देश के युवाओं को रोजगार है? गरीबी और महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ। ये भुखमरी, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण और गलत आर्थिक नीति के कारण इसका परिणाम है। हमारे हरियाणा, पंजाब और हिंदुस्तान में हर साल 58,000 करोड़ रुपए का अनाज सड़ जाता है। हमारे कृषि मंत्री कहते हैं, उन्होंने बताया कि 58,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के सरकार को पूछा कि देश में लोग भूखे मर रहे हैं, अनाज 58,000 करोड़ का सड़ रहा है, तो अनाज सड़ने के बजाय गरीबों को बांट क्यों नहीं देते? तब कांग्रेस पार्टी के केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके ऐलान किया कि अनाज सड़ता है तो सड़ने दो, पर हम गरीबों को नहीं बांटेंगे। ये बात इस कांग्रेस पार्टी के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के त्योहार हमेशा ये साबित करते हैं कि हम कश्मीर को लेकर कन्याकुमारी तक एक है। जब हम लिखते हैं दिवाली, वो एकता है इस हल्का में। और एक हमला हुआ मुंबई में, हमें लड़ाने की कोशिश की, हमें बांटने की कोशिश की, हमको पता नहीं कि हिंदुस्तान कभी नहीं बढ़ सकता। निशान ये टूट गए, निशान बाकी है। यार सारे मत आइए भाई, सारे तो सर को दो ना स्पेशल। Media is requested to take the photographs for both the parties.
मीडिया से रिक्वेस्ट है कि ये फोटोग्राफ लें। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीनियर लीडर